सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आप देख ही सकते हैं मेरे सामने है R15 का V3। तो ये बाइक आई हुई है इधर GearHeaads कस्टम में फुल बॉडी रैप के लिए। तो अभी इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो है ग्लॉस ब्लैक और मैट ब्लैक। तो इसको टोटली हम लोग ग्लॉस ब्लैक और मैट क्रोम ग्रीन में इसको रैप करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो ये साइड का जितना भी ये पैनल्स वगैरह है इसको मैट क्रोम ग्रीन में रैप किया जाएगा, और जो आपका नीचे का जो पैनल्स है उसको ग्लॉस ब्लैक में इसको इसके साथ में कॉम्बिनेशन दिया जाएगा इसको। ड्राई करके उसके बाद में इसका सब फेयरिंग्स पार्ट्स वगैरह खोल के इसको रैप के लिए स्टार्ट करेंगे। फाइनली ये टैंक का पार्ट रैप हो चुका है, तो इसको फिटिंग के लिए अब डालना बाकी है। ये जो टैंक का साइड का पार्ट है इसको ग्रीन मैट क्रोम में किया गया है, और ये आपका तेल का पार्ट है इसको भी रैप किया गया है। ये आप देख सकते हैं ये फ्रंट का फेयरिंग जो है इसमें ये स्टॉक का वाइजर लगा हुआ है, और ये फ्रंट पार्ट ब्लैक है तो इसको मैट क्रोम ग्रीन में करेंगे रैप। तो ये जो वाइजर है इसको भी बबल वाइजर लगा दिया जाएगा बाद में, तो इसको चेंज करके जो स्टॉक का वाइजर है उसको चेंज करके बबल वाइजर लगाएंगे।
तो अभी इसका ये आगे का जो पोर्शन है इसको कंप्लीट करते हैं। सो गाइस ये जो फ्रंट का वाइजर है उसको टोटली रैप करके इसका काम ख़त्म हो चुका है। तो इसके बाद में जो आपका ये स्टॉक का विंडशील्ड है तो इसको चेंज करके आफ्टर मार्केट बबल विंडशील्ड इसको फिक्स करेंगे। फाइनली टाइम आ चुका है तो जो ये लास्ट पार्ट रैप किया है उसको फिटिंग करने के लिए। तो आप जैसे देख सकते हैं इसमें पहले ये वाला इंडिकेटर्स लगा था तो उसको भी चेंज करके इस पर फ्लॉस मॉन डाल दिया जाएगा। तो चलिए अब इसको फिटिंग करके जो इसका फाइनल पार्ट है उसको कंप्लीट कर देते हैं। सो फाइनली गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इसका फुल बॉडी रैप हो चुका है। तो इसका आप टेल देख सकते हैं उसको भी रैप किया गया है और जो आपका ये टैंक पार्ट है उस वो लेकर और उसका जो साइड का फेडिंग्स वगैरह पैनल्स वगैरह है उसको टोटल रैप किया गया है। और आप जैसे कि इसका फ्रंट का वाइजर भी देख सकते हैं इसको भी रैप करके जो साइड में एक R15 स्टिकर डाल दिया गया है और ऊपर में जो विंडशील्ड देख रहे हैं आप ये आफ्टर मार्केट विंडशील्ड है उसको भी फिट किया गया है। सो गाइस जैसे कि आपने देखा इसका फुल बॉडी रैप हो चुका है तो मैं इसको अभी शॉर्ट राइड के लिए लेके जा रहा हूँ। तो आप लोग को मैं थोड़ा बहुत इसका सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह लेके दिखाऊंगा कि बाइक अभी कैसा दिख रहा है, पहले कैसा था आप लोग ने देख ही चुका है। तो आपका सजेशंस थोड़ा बहुत आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा इसके बारे में या आप लोग कुछ और आप लोग का जो भी सजेशंस है आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा और आप लोग का सजेशंस विल बी ऑलवेज अप्रिशिएटेड। तो मैं आपको इसका जो सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह है वो लेके दिखाऊंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ लैंडमार्क रोड जो रानीपुर से थोड़ा सा दूरी है तो मैं वहाँ पर जाके आपको ये R15 V3 जो अभी मैट क्रोम ग्रीन में रैप किया गया है तो मैं इसका सिनेमैटिक शॉट्स लेके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सो एंजॉय द वीडियो एंड यस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।